नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामले डराते जरूर हैं, लेकिन जो लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं उनसे हौसला और उम्मीद भी मिलती है। कोरोना का मात देने वाले ऐसा ही एक शख्स जो उल्लासनगर 3 के सम्राट अशोक नगर का रहने वाला है, उसने बताया कि वह कोरोना पॉजिटिव था। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स स्टाफ के मेहनत से वो कैसे नेगेटिव हुआ और वह क्या बता रहा है, आप लोग जरूर सुनिए इस व्यक्ति को। तो मेरा नाम है निहाल अनवर आतार और मैं उल्लासनगर 3 सम्राट अशोक नगर में से रहने वाला हूँ। और मुझे थोड़े दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हो गया था, जिसके कारण मुझे अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल 4 नंबर में मुझे रखा था। उधर मेरा 5-6 दिन मेरा उधर पे ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद मुझे कामगार हॉस्पिटल सेंटर हॉस्पिटल के पीछे रखे थे और उधर पर मेरा ट्रीटमेंट चालू था। और टोटल मेरा 10 दिन का कुछ कोर्स था, जिसमें मैं डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी इनका और इनकी टीम का बहुत आभारी हूँ। इन्होंने मेरा और जितने कोरोना पॉजिटिव लोग थे उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, ध्यान दिया है। खाना पानी दवाई सब ध्यान पे देते, मतलब ध्यान से देते थे। और जो सफाई कर्मी है, कर्मचारी है, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ कि उन लोग भी हमारी पूरी ध्यान रखते थे, हमें पानी की हर चीज़ की सुविधा देते थे। और हमारे प्यारे शिवाजी रगड़े, मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ। इन्होंने हर वक्त पे हमारा साथ दिया, हमारी हेल्प करी। और मेरे हमारा एरिया सम्राट अशोक नगर, मैं उनका भी आभारी हूँ। वो लोगों ने भी हमारा अच्छे से स्वागत किया। और हमारे नासिर खान, इनका भी मैं आभारी हूँ। ये भी हमारी हर वक्त पे हेल्प करते थे। हर रात को भले 1 बजे या 2 बजे हम कॉल लगाते थे, हमारा कॉल अटेंड करते थे। और सेम शिवा रगड़े, ये भी हमारा कॉल हर वक्त हर घड़ी अटेंड करते थे। भले रात के 1 बजने 2 या 2 बजने हमको जैसी प्रॉब्लम होती थी वो हम उनको इन्फॉर्म करते थे और हमारी मदद करते थे। और जैसे कोरोना पॉजिटिव की मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो घर में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा घरों में रहोगे तो ज़्यादातर पानी, गर्म पानी का ही उपयोग करें नहाने के लिए, पानी पीने के लिए। और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और अपना, अपने घर वालों का और अपने एरिया का आजू बाजू का ख्याल रखें। जो सरकार ने लॉकडाउन रखा है हमारे लिए और सबके लिए बहुत अच्छे कुछ सोच के उन्होंने लॉकडाउन रखा है, तो लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर ना निकले, अपनी और अपने आजू बाजू वालों की जान के बारे में सोचे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सरकार का हेल्प करें। और मैं इतना बोलना चाहता हूँ, सिर्फ कोरोना पॉजिटिव से प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है मरीज़ों को, सिर्फ इतना है कि घर वालों से दूर रहने का बहुत दुख होता है। घर वालों की याद आती है, तुमको 14 दिन 10 दिन घर वालों से दूर रहना पड़ता है। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने और अपने घर वालों का, आजू बाजू का ख्याल रखें, खुद भी परेशानी में मत जाए और दूसरों को भी परेशानी में मत डालें। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।